इतिहास लिखेगा महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। और झारखंड में हम पुनः सरकार बनाएंगे, हेमंत जी के नेतृत्व में बनाएंगे और दिल्ली और असम की गुंडई को समाप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पप्पू यादव अपने दोस्त हेमंत सोरेन को जिताने के लिए झारखंड पहुंच चुके हैं। दरअसल पप्पू यादव की ये तस्वीरें देखिए और पीछे जो बोर्ड आपको दिख रहा होगा वो JMM का बैनर है, यानी कि पप्पू यादव जो हैं वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं JMM की पार्टी का। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी। और आज पप्पू यादव झारखंड के देवघर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीफ़ करते हैं हेमंत सोरेन की, तारीफ़ करते हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। और खिंचाई और हल्ला बोल जो है पता है किसका करते हैं, वो BJP वालों की तो करते ही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खिंचाई जो आज पप्पू यादव ने अपने झारखंड दौरे में किया, और पप्पू यादव ने जमकर खिंचाई की है झारखंड BJP के सहप्रभारी हेमंत विश्व शर्मा की। देखिए आगे वीडियो में पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। धरातल पर लाई ना, उन्होंने एक एक कार्यों को किया। और हेमंत सोरेन जी के पीछे जिस तरीके से मेरी बहू ने कल्पना सोरेन आज महिला सशक्तिकरण के प्रतीक हो गए, आज शहरों की आवाज बन गई है, हर लोगों की उम्मीद बन गई है। तो इसलिए जिस तरीके से वो नेतृत्व मिलके झारखंड ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ नफरत की नहीं विकास की बात करती। BJP के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है, नेतृत्व नहीं है। क्या विश्व शर्मा जैसे गुंडे यहाँ बैठेंगे, क्या वो करेंगे, क्या थैला खोल के आएंगे, क्या रैगिंग करेंगे, क्या करेंगे? अब तो जितना तंग करना था झारखंड के बेटा को कर लिया, जितनी यातनाएं देनी थी दे दी, जवाब अब उन्हें मिलेगा। अरे भाई, हरियाणा में आप 1,40,000 वोट आपने रैगिंग की, एक सीट पर 18,000 वोट से आप चुनाव जीते, 1,000 से 600, 400, 300 वोट, 200 वोट, 18 वोट पर आप हरियाणा में लगभग आप 40 सीट पर जीते हैं। मात्र 1,40,000 सीट का, 1.5 लाख वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और BJP के बीच। रैगिंग ना किया होता ये हालात नहीं होते, और निर्दलीय को वो पैसा ना दिए होते कांग्रेस के निर्दलीय। ये BJP की गुंडाई होती है कि वो निर्दलीय खड़ा करके वो हमेशा इस तरह की रैगिंग करती, और यहां भी करने की उन्होंने प्रयास किया। सोरेन जी को जिस तरीके से सम्मान दिया, हेमंत जी ने अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, उन्होंने एक वर्कर को बनाया जो लीडर थे चंपई सोरेन, और उन्होंने पीठ में खंजर भोग दी। और भोगवाने वाले कौन थे, उसके पीछे किसकी भूमिका थी, दिल्ली की, ये बिहार, यहां झारखंड की ना सरकार बनेगी, दिल्ली की नहीं ना, तो फिर दिल्ली और असम के गुंडे यहां क्या करेंगे? उसका जवाब पुरजोर दिया जाएगा। और मैं बहुत क्लियर समझता हूं, जो योजना हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे भाई ने लाया, जो योजना को जमीन पर धरातल पर उतारा, हर हाथ में पहुंचा दिया, हर घर को पहुंचा दिया, और इतनी यातनाओं के बावजूद जिस तरीके से 5 साल आम लोगों की सरकार बनी, नफरत की नहीं, किसी धर्म और जाति की नहीं, डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के कोई हाहाकार नहीं मचा, जिस तरीके से BJP करती रहती है, तो आज हेमंत सोरेन जी के सामने कोई नेतृत्व नहीं है। बताएगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, मतलब सर बताया गया, क्या विधानसभा चुनाव झारखंड में 2 चरणों में होने वाला है, आप आज देवघर पधारे हैं बाबा बैद्यनाथ से क्या कामना की है, सबसे पहले ये बताइए। बस हमारा भाई अलग अलग कोर्ट से जन्म लिए, लेकिन हेमंत सोरेन जी मेरे खून से बढ़, और झारखंड के हित में सभी जाति धर्म वर्गों के हित में
गरीबों के हित, महिलाओं के हित, युवाओं के हित और देश में जो आदिवासी समाज है और गरीब है उसके लिए जो प्रखर आवाज है वो है अमर स्वर। और मैं ईश्वर से अनुकूल चंद जी के यहां बिहार गए, मैंने तो सिर्फ हम कभी कुछ भगवान से नहीं मांगा, बस एक इंसान बना के रखे यही बहुत इस दुनिया में अच्छे इंसान की जरूरत। सर चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, झारखंड का जो चुनाव है क्या देख रहे हैं आप? भैया हमको क्या देखना, जनता देखेगी कि हम ही देखें? नहीं जैसे कि आप अनुभव और लोगों की तरह मियां मिठू हो जाए जो पांचों साल काम करते हैं, जो इतनी बड़ी तंग के बावजूद केंद्र सरकार पांच साल सरकार को चैन से नहीं रहने दी और विश्व शर्मा ने जिस तरीके से गुंडई की आज भी वो गुंडा बनकर यहाँ बैठा हुआ, उनकी गुंडई खत्म हो जाएगी इस बार। तो क्या मानते हैं ये आसाम बिहार आवे ना उनकी गुंडई पर की पता चल जाए, यहाँ गुंडई नहीं चलती है। विश्व शर्मा ने जिस तरीके से लगातार झारखंड पार्टी को जेएमएम को तोड़ने का, कांग्रेस को तोड़ने का, कभी सरकार बनाने के लिए करोड़ों अरबों रूपया, कभी ईडी का, ईडी में कई मंत्री हमारे भाई को जेल भेजा, कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से जब नहीं जीता गया, जब सरकार नहीं चेंज कर पाई, जब सरकार इन लोगों ने अपना नहीं बना पाया तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। तो झारखंड की जनता गुस्से में, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा, चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में? लेकिन विपक्ष तो जैसे कि आपने अबू आवास लाया तो उन्होंने गोगो योजना लाया, दीदी गोगो योजना लाया, वो उसके एवज में तो वो भी तो काम कर रहा है। हेमंत सोरेन जी ने सर बताया गया क्या विधानसभा चुनाव झारखंड में दो चरणों में होने वाला है, आप आज देवघर पधारे हैं बाबा बैद्यनाथ से क्या कामना की है, सबसे पहले ये बताइए। बस हमारा भाई अलग अलग कोर्ट से जन्म लिए लेकिन हेमंत सोरेन जी मेरे बढ़ और झारखंड के हित में, सभी जाति धर्म वर्गों के हित, गरीबों के हित, महिलाओं के हित, युवाओं के हित और देश में जो आदिवासी समाज है और गरीब है उसके लिए जो प्रखर आवाज है वो है अमर स्वर। और मैं ईश्वर से अनुकूल चंद जी के यहां बिहार गए, मैंने तो सिर्फ हम कभी कुछ भगवान से नहीं मांगा, बस एक इंसान बना के रखे यही बहुत इस दुनिया में अच्छे इंसान की जरूरत। सर चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, झारखंड का जो चुनाव है क्या देख रहे हैं आप? भैया हमको क्या देखना, जनता देखेगी कि हम ही देखें? नहीं जैसे कि आप अनुभव और लोगों की तरह मियां मिठू हो जाए जो पांचों साल काम करते हैं, जो इतनी बड़ी तंग के बावजूद केंद्र सरकार पांच साल सरकार को चैन से नहीं रहने दी और विश्व शर्मा ने जिस तरीके से गुंडई की आज भी वो गुंडा बनकर यहां बैठा हुआ, उनकी गुंडई खत्म हो जाएगी इस बार। तो क्या मानते हैं ये आसाम बिहार आवे ना उनकी गुंडई पर की पता चल जाए, यहां गुंडई नहीं चलती है। विश्व शर्मा ने जिस तरीके से लगातार झारखंड पार्टी को जेएमएम को तोड़ने का, कांग्रेस को तोड़ने का, कभी सरकार बनाने के लिए करोड़ों अरबों रूपया, कभी ईडी का, ईडी में कई मंत्री हमारे भाई को जेल भेजा, कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से जब नहीं जीता गया, जब सरकार नहीं चेंज कर पाई, जब सरकार इन लोगों ने अपना नहीं बना पाया तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। तो झारखंड की जनता गुस्से में, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होगा, चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में? लेकिन विपक्ष तो जैसे कि आपने अबू आवास लाया तो उन्होंने गोगो योजना लाया, दीदी गोगो योजना लाया, वो उसके एवज में तो वो भी तो काम कर रहा है। हेमंत सोरेन जी ने